बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा एक ऐसी रेसिपी है जो कि घरेलू रेसिपीज से निकल के अब रेस्टोरेंट्स के अंदर या फूड स्ट्रीट के ऊपर आई है। ट्रेडिशनल तरीके से इसको घरों में बनाया जाता था। सबसे मेन अंसर इसका लस्सी है, जो कि दूध को पंजाबी में बोलते हैं, दूध रिड़कन तो बाद जी लस्सी बचती है और कड़ी बनती है। और कड़ी का जो नाम है वो उसके एक होता है करी, जिसको ग्रेवी भी बोलते हैं, एक होता है कड़ी। कड़ी जो है वो निकला है कड़ने से, कि आपने इसको काढ़ कर इसकी जो क्वांटिटी है उसको कम करना है। वो कड़ी क्या जो कड़े ना, अक्सर पंजाबी में बोलते हैं कड़ी की जड़ी कड़े ना, तो उसको जो है काफ़ी टाइम लगता है पकाने में। सबसे पहली जो चीज़ है कड़ी के अंदर वो इधर है जी लस्सी, जो कि मक्खन निकालने के बाद बचती है, दही में से मक्खन निकालने के बाद, या पंजाबी में बोलते हैं दूध रिड़कन तो बाद जड़ी लस्सी बचे था उदी ही कड़ी बन रही है। ये जो है 2 लीटर लस्सी है मेरे पास, ये मुझे कम लग रही थी क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहा हूँ, तो इधर मैंने आधा किलो दही भी लिया हुआ है, जिसके साथ हम पानी मिक्स करके इसका पूरा मिक्सचर हम बना लेंगे। तो ये तकरीबन इधर मेरे पास कोई दो एक डेढ़ डेढ़ कप पानी होगा। इसके अंदर जो है ये दही मैं डाल देता हूँ, तो ये लस्सी भी इसके साथ हम शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर जो है बेसन, ये मैंने 2 कप बेसन है, थोड़ी सी लस्सी आपने बचा लेनी है, ये दही का पानी बचा लें, कुछ भी कर लें। इसके अंदर जो है इसको बेसन को शामिल करना है आहिस्ता आहिस्ता और इसको मिक्स कर लेना। इसके अंदर इसकी पेस्ट बन जाएगी, गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो जी बेसन को मैंने मिक्स कर लिया इधर और इसके अंदर लस्सी और जो है हमारा बेसन, इसको आपने इस तरह मिक्स कर लेना है और ये बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। कढ़ी जो है वो 2 तरह से बनती है, लोग इसको टमाटर प्याज के बगैर भी बना लेते हैं या कुछ लोग सिर्फ प्याज का इस्तेमाल करते हैं। आप इसके अंदर अगर टमाटर आपको लगता है कि कढ़ी के अंदर नहीं जाने चाहिए तो टोटली स्किपेबल है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन कोई मेरी रेसिपी फॉलो करना चाहे इस रेसिपी को, जो कि ज़्यादा रिच है, मैंने दोनों कढ़ी ट्राई की हुई है, मुझे ये ज़्यादा फ्लेवरफुल कढ़ी लगती है पकने के बाद, कि इसके अंदर टमाटर और प्याज का इस्तेमाल लाजमी किया जाए, जिससे एक अच्छा मसाला बनता है और मसाला बनेगा बेहतर तो आपकी कढ़ी बेहतर बनेगी। और सबसे अहम चीज़, इसको सरसों के तेल में पकाया जाए, फिर वो आपको असल ऑथेंटिक कढ़ी का टेस्ट मिलेगा, जो कि पुराने ज़माने में, जो कि हमारी एक ट्रेडिशन है, जो कि सकाफती तौर पर चली आ रही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर मेरे पास 1 कप सरसों का तेल है जो कि पहले से पका हुआ है। अगर आप नया तेल ले रहे हो तो उसको पकाना ज़रूरी है। तो ये जो है इसके अंदर आपने डाल लेना तेल। अब ये 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिनको मैंने बारीक जो है वो काटा हुआ है, बिल्कुल बारीक हैं ये देखें इस तरह। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर आपने डाल लेना और इनको भूनना है अच्छी तरह। जिस तरह किसी भी हांडी का मसाला तैयार करते हैं ना, उसी तरह आपने इसको इधर पकाना है अच्छी तरह। प्याज तैयार हो गए, आपका मसाला जो है वो अच्छा तैयार होगा, तो आपकी ये जो है कड़ी में बेहतर पकेगी। अब देखें इधर मेरे पास ये कुछ है जी, मेरे पास मेथी दाने, ये बारीक वाले होते हैं, ये आपने कोई 1 चुटकी 1.5 चुटकी इसके अंदर डालना है, इसका बहुत बेहतरीन फ्लेवर आपको मिलेगा। उसके बाद जो है इसके अंदर ये करी पत्ते हैं, ये आपने कुछ थोड़े से इसके अंदर शामिल करने हैं। अगर ताज़ा आपको मिले तो वो सबसे बेहतर है, वरना ये ड्राइड जो हैं ये पंसार स्टोरों से बड़ी इजीली मिल जाते हैं। और इसी के साथ आपने प्याज जब भून रहे हो तो इसके साथ ये मेरे पास है कोई आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ज़ीरा है, इसको मसल के अच्छी तरह थैली पे आपने इसके अंदर शामिल करना है, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और इसको जो है इधर भून लेना, प्याज जब हल्की ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर आपने टमाटर शामिल कर देना। तो मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है, टमाटर वगैरह प्याज वगैरह अच्छी तरह घुल गए हैं, तो इस टाइम पे हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हल्दी, जो कि 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर, ज़रूरी है, बहुत अहम है, इससे कलर आएगा हमारी जो कड़ी है, और अच्छी हल्दी होनी चाहिए। मिर्च है लाल मिर्च, जिससे स्पाइसीनेस आएगी, 2 टीस्पून, अगर थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहें तो उससे ज़्यादा डाल लेंगे आपने। नमक जो है, कुछ लोगों का मानना है कि जो नमक है वो एंड में शामिल करना चाहिए, उसकी वजह क्या है कि जब हम इसको कड़ी को पकाते हैं ना तो ये रिड्यूस होती है, तो नमक का अंदाज़ा नहीं रहता। मैं फिलहाल अगर 1.5 टीस्पून डाल रहा हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल लेंगे। तो ये जो मसाले हैं ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, ताकि ये भी इसी मसाले के साथ पक जाएँ। ये सिर्फ बेसिक मसाले इसके अंदर जाएंगे। और इसके अंदर आपने ये है मेरे पास कसूरी मेथी,
ये आपने इसके अंदर डालनी है सूखी हुई मेथी जिसको बोलते हैं, ये एक टीस्पून के बराबर आप डाल लें, इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। इस पॉइंट पे एक टेबलस्पून आपने फ्रेशली कुटा हुआ लहसुन डाल देना और इसको सिर्फ ऐसे दो मिनट के लिए फ्राई करना है। इधर हमने लहसुन डाला था वो भी पक चुका है, अब जो है मसाला बिल्कुल तैयार है कि इसके अंदर जो है ये लस्सी और जो बेसन है इसको डाल दिया जाए। एक दफ़ा मिक्स कर लें ताकि नीचे ना बैठा हो। इसको जो है डाल देते हैं इस मसाले के अंदर। और इसको आपने हिलाते हुए पकाना है और इसी के साथ आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है ये कोई 4 और 5-6 जो हैं सब्ज़ मिर्चें। ये बहुत प्यारा फ्लेवर लेके आएंगी इसके अंदर। इसके अंदर बेसन शामिल करते ही आपने 1 लीटर पानी भी शामिल कर देना ये देखें, ताकि इसको कड़ने के लिए टाइम मिले। ये डाल दिया जी पानी, अब इसको ये देखें पतली हो जाएगी काफ़ी, तो इसको पकने देना तकरीबन 1-1.5 घंटा इधर ये कड़ेगी तो फिर जो है वो बेहतरीन कड़ी तैयार होगी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी थिकनेस ऊपर जाएगी। एकदम से तेज़ आग ना करेंगे, नीचे से नीचे लग जाएगी और अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए इसको हल्की आंच पे पकाएं। जब उबाल आ जाए तो आप इसको छोड़ दें, फिर जो है ये पकती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कलर बहुत बेहतरीन है। 5-7 मिनट के बाद कुछ कड़ी पे इस तरह के उबाल आने लग जाएंगे, तो आपने जो है अब हिलाना इसको बंद कर देना है क्योंकि इसका बेसन पक चुका है इसके अंदर और इसको इधर पकने के लिए हमने छोड़ देना है। आग कर देनी है स्लो, तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हमने इसको इधर पकाना है ताकि हर चीज़ बेहतरीन तरीके से पक जाए। पालक भी डाल रही है हमने पकौड़ों के अंदर, क्योंकि जो एक पकौड़ों का असली स्टाइल है ना जी, उसके अंदर पालक और आलू ना हो तो पकौड़े मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि कढ़ी बनाते वक्त पकौड़े ही तो खाने होते हैं। कढ़ी के अंदर तो जो डालने ही डालने हैं, वैसे पकौड़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है उनको, तो इसलिए जो है अच्छी ताज़ा पालक उसको भी इस तरह काट लेंगे। आलू से हमारी कढ़ी जो है वो तैयार है। अब इसके अंदर इस पॉइंट पे आपने नमक चेक करना है कि नमक इसके अंदर किस तरह है, क्योंकि बिल्कुल फीका था, 1.5 टीस्पून हमने डाला था, मैंने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल फीकी है। तो अब जो है इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे हसबे जायका इसी पॉइंट पे। तो मैं इसके अंदर अब जो है 1 टीस्पून और नमक शामिल करूँगा और फिर जो है देख लेंगे कितनी और ज़रूरत है। तो ये जो है 1 टीस्पून जो है इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तो इसको जो है अभी इधर 2-4 मिनट पका लेते हैं और इधर आ जाएगी पकौड़ों की तरफ। अब पकौड़ों का भी जो असल तरीका है ना, जो देसी तरीका उनको पकाने का, वो ये है कि इसका बैटर जो है वो उसी लस्सी में बनाया जाए जिसके अंदर कड़ी पकती है। ये देखिए, तो ये वो लस्सी है इधर मेरे पास। अब जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे सबसे पहले आलू। आलू मेरे पास तकरीबन इधर 1 किलो बारीक कटे हुए आलू। उसके बाद इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, को 5-6 सब्ज़ मिर्चें जिनको इस तरह बारीक काटा हुआ है, ये इसके अंदर शामिल कर दें, बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। कुछ लोग जो है वो इसके अंदर शामिल करते हैं भल्ले टाइप पकौड़े, कि सिर्फ बेसन के पकौड़े उनको मिक्स करके प्याज डालें उसके अंदर, कुछ प्याज भी नहीं डालते और उसको जो है सिंपली डाल देना जी कड़ी के अंदर, वो मज़ा नहीं आता। पकौड़ा आलू के बगैर बनता ही नहीं है जी, पालक ना हो आलू ना हो बेहतरीन पकौड़ा बनता ही नहीं है। तो इसके अंदर पालक शामिल कर दें और प्याज ये इसके अंदर डाल दें। तो ये देखिए इसको जो है मैं इधर मिक्स कर लूँगा इसके अंदर। और हाँ, अगर आपको मेथी मिले तो वो आपने इसके अंदर ज़रूर शामिल करनी है। मेथी हमारे इलाके में अभी आई नहीं है, वही 8-10 दिन देर है, तो मेथी मुझे नहीं मिली, वरना पकौड़ों के अंदर मेथी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके अंदर अब जो है ये लस्सी शामिल कर लेते हैं और इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए हम देखेंगे और कितने बेसन की ज़रूरत है, फिर बेसन और शामिल कर लेंगे इसके अंदर। पानी के अंदर भी घूम सकते हैं। और एक और चीज़ के, अगर आप कढ़ी को आम नॉर्मल ऑयल में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सरसों के ऑयल में बनानी है, लेकिन मैं आपको एक बेहतर रेसिपी बता रहा हूँ। अब इसके अंदर हमने मसाले शामिल करने हैं। मसालों के अंदर सबसे पहले नमक जाएगा, इसके अंदर हम 2.5 टीस्पून नमक जाएगा ये इतने सारे पकौड़ों के लिए। और दूसरे नंबर पर इसके अंदर जाएगी जी लाल मिर्च,
ये 1 टीस्पून, ये दो, और ये तकरीबन अढ़ाई अढ़ाई टीस्पून ही इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, और कोई 1 टीस्पून के बराबर आपने सूखा धनिया शामिल करना है, और ये कोई 1 टीस्पून जो है वो जीरा साबुत, इसको जो है मसल के इसके अंदर शामिल कर देना है। मसाले इसके अंदर यही जाएंगे, तो मैं कर लेता हूँ मिक्स। और अगर आपको ताज़ा मेथी ना मिले तो फिर कसूरी मेथी, जो सूखी मेथी है वो तो मिल ही जाती है, तो ये कोई 1 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर शामिल कर लें। पकौड़े तलने के लिए भी सरसों का तेल ही चाहिए, जो कि बेहतर जायका, बेहतरीन जायका, बल्कि सरसों के तेल में ही आएगा। आपके पास वेजिटेबल ऑयल हो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा सरसों के तेल में तल के देखें, तो बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, पकौड़े सख्त बनेंगे, इस तरह थोड़ा लूज़ हो जाएगा जब आप इसको 10-1 मिनट रखेंगे। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना, और पकोड़े का साइज़ भी जो है वो नॉर्मल रखना है इस तरह, और इधर डालते जाएंगे। और एक दफ़ा आप मिला देंगे, ये देखें जी कैसे बेहतरीन पकोड़े हैं। इनको जो है अब इधर फ्राई कर लेना है अच्छी तरह, तकरीबन कोई 7-8 मिनट लगेंगे, क्योंकि आलू हमारे बिल्कुल बारीक हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको पकते हुए। तो ये देखें जी पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकालता हूँ, और इधर देखें कुछ पहले निकाले हुए हैं। इसी तरह आपने सारे फ्राई कर लेने हैं, कलर बहुत प्यारा आ रहा है, और जो इनका टेस्ट है, मैंने अभी एक पकौड़े को टेस्ट किया, रहा नहीं जाता अगर आप फ्राई कर रहे हो। और ये देखें जी पहले निकाला हुआ थोड़ा ठंडा है, और अंदर से बेहतरीन पके हुए हैं, और सॉफ्ट ऐसे हैं कि मुँह के अंदर जाते ही घुल जाएँ। गरम गरम खाएं तो क्रिस्पी है, अगर ठंडे हो जाएं तो आपको सॉफ्ट मिलेंगे, सख्त पकौड़े नहीं होंगे। और मसाले ऑन स्पॉट है, ज़बरदस्त। तो सारे पकौड़े बनाते हैं, कुछ इसमें से कढ़ी में डालेंगे, बाकी जो है वो इसी तरह खाए जाएंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो कुछ आधे पकौड़े हैं ये, जो कि हमने कढ़ी के अंदर शामिल करने हैं, और इधर कढ़ी देखें हमारी, ये देखें माशाल्लाह, तकरीबन हमने इसको 1.5-2 घंटे के करीब जो है इसको हमने पकाया। तो अब जो है इसके अंदर टाइम है कि ये पकोड़े डाल दिए जाए, तो ये आपने शामिल कर, ये देखें माशाल्लाह जी, ये मैंने लिया हुआ सरसों का तेल, क्योंकि सारा काम हमने सरसों का तेल तेल के अंदर किया है, इसलिए अभी भी सरसों का तेल, जिसको मैंने थोड़ा गर्म किया, इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे। तो जब ज़ीरा थोड़ा सा भुन जाए, इसके अंदर ये लाल मिर्च, करी पत्ता, ये शामिल कर दें, और इसको बस 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। और ये देखिए तेल गरम है, मिर्चें जो हैं वो गरम हो चुकी हैं, इसको जो है डाल देना है। और अब जो है ये तैयार है कि इसको सर्व किया जाए, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपको जायका मिलेगा इसका। इसको थोड़ा सा इधर प्लेट में मैं निकालता हूँ, फिर थोड़ा टेस्ट करते हैं। और इधर जी हमारे पास है जी गरम गरम तंदूरी रोटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल जी रोटी है, और ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो जी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीज़ खुद बनाई जाए, इतनी मेहनत की जाए, उसका कोई जवाब नहीं होता। बहुत बेहतरीन जो है कढ़ी और पकोड़े, दोनों सॉफ्ट पकोड़े हैं, और बड़ा अच्छा दोनों का फ्लेवर आ रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशंस जो रेसिपीज़ होती हैं, मैं उन पर ज़रूर बताता होता हूँ कि इसको लाजमी ट्राई करें, तो आप इसको लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और इस तरीके से टमाटरों और प्याज़ों के साथ, और इस तरह के पकौड़े बना के, तो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ ज़रूर मुलाकात होती रहेगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।